સુરતનો પાંડેસરા વિસ્તાર એ શ્રમજીવી વિસ્તાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ત્યારે આ વિસ્તારમાં જ્યાંથી લોકડાઉન શરૂ થયું છે ત્યારથી અત્યાર સુધી લોકોને સામાજિક સંસ્થા દ્વારા ભોજન પૂરું પાડવામાં આવતું હતું, પણ તે બંધ કરાવતા લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો। સુરત શહેરના પાંડેસરા વિસ્તારમાં વધુ પડતા શ્રમજીવી પરિવારો લોકો રહે છે, જે રોજનું લાવી રોજનું કમાઈને ગુજરાન ચલાવતા હોય છે। પરંતુ સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે જ્યારે વિસ્તારમાં હોટસ્પોટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે ત્યાં ફૂડ પેકેટ આવી શકે નહીં, ત્યારથી 200 થી 300 ફૂટ ખસાડીને ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે। પરંતુ સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે જે વિસ્તારમાં હોટસ્પોટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તે વિસ્તારથી 200 થી 300 ફૂટ ખસાડીને ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે। પરંતુ ત્યાંના સામાજિક લોકો દ્વારા લોકડાઉન 1 અને લોકડાઉન 2 સતત ફૂડ પેકેટ વિતરણ કરવામાં આવતા હતા, ત્યારે મનપાના અધિકારી દ્વારા બંધ કરાતા લોકોના ટોળેટોળા ભેગા થઈ ગયા હતા। લોકોનું કહેવું હતું કે સરકાર દ્વારા અમને જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં નથી આવતી, ત્યારે આ સામાજિક સંસ્થા જમાડી રહી છે, તેને બંધ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે। આવા આક્ષેપ સાથે પબ્લિકનું ટોળું ભેગું થઈ જતા પાંડેસરા પોલીસ ઘટના સ્થળે આવીને લોકોના ટોળા દૂર કરી આજના દિવસનું વિતરણ પતાવી દો, કાલથી આપણે વિચારીશું એમ કહી લોકોને શાંત પાડ્યા હતા। दीपक कुमार नाम है। जब एसएमसी वालों की तकलीफ क्या है, एसएमसी वाला ना ही खाना आके घर में बांट रहा है न राशन दे रहा है। जब आदमी जब खड़ा आया है लाइन में खड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग का सब चीज पालन हो रहा है, उनको तकलीफ क्या है उस चीज का खाना खिलाने में? और जो बात दूसरा व्यक्ति खिला रहा है खाना, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? उस चीज का ध्यान देना चाहिए ना उनको, क्यों मना कर रहे हैं? आपका नाम? मेरा नाम गीता निषाद है। हम लोग गरीब आदमी हैं। मेरा आदमी नाके पे काम करता था, रोज का कमाने रोज का खाने वाले हैं, और ये प्राइवेट खाना बंद करवा रहे हैं सब लोग। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का खाना जारी रहे। जी बेन, आपको कितनी तकलीफ पड़ी है जो लॉकडाउन के अंदर? आपको लॉकडाउन के अंदर हमको तकलीफ बहुत पड़ी है, क्योंकि सब कुछ की समस्या हो गई है। हम लोग एक दिन कमा के एक दिन खाने वाले थे, इसके लिए हम लोग को बहुत समस्या हो गई है। जो ऐसी संस्था है जो ऐसा काम कर रही है, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो खाना बांट रहे हैं, कई जगह खाना बंद भी हो गया, हम लोग के ऊपर बहुत समस्या हो गया है। और बर्तन लेके जगह जगह देख रही हूँ, कहीं खाना नहीं मिल रहा, कहीं मिल रहा भी वहाँ भी बंद करवा रहे हैं। तो सरकार को बांटना चाहिए खाना ना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तीन तीन बच्चे, हमारे भी तीन बच्चे हैं, और मेरा आदमी नाके पे काम करता था। इस हालत में जब ऐसा हालत हुआ है तो गाड़ी या तो चालू करवाना चाहिए या तो हम लोग का हेल्प करना चाहिए। हा? हम लोग कैसे जिएंगे बताओ? या तो हम लोग को जहर दे दे मर जाए, या तो इस हम लोग को गांव पहुंचाए, या तो ये लाइन पे खाना हम लोग को सब जगह मिलना चाहिए। जी सर, ये इधर जो खाना बांटने में आया, क्या समस्या हो रही है? भाई खाना जब से चालू हुआ लॉकडाउन, तब से हमारे एक मित्र है शैलेंद्र सिंह, हम दो जन मिल करके डेली का 1000 से 1200 आदमी का खाना खिलाते थे। अभी हम लोगों ने 2 से 2500 का इंतजाम किया, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। रेगुलर खाना यहाँ पुलिस, हमारे पांडेसरा पुलिस स्टेशन के अधिकारी हमारे साथ में खड़े होते हैं, उनके माध्यम से हम खाना बंटवाते हैं। फूड पैकेट का हमने परमिशन भी लिया है, एपी चौहान साहब के कहने से हमको परमिशन मिला है, उन्होंने परमिशन दिया है, उनके कहने से हम लोग बांटते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे के हमने एसएमसी को कई बार बोला, यहाँ कुछ नहीं किया, हमारे आदमी लगा करके हम पैसा से अपने सोशल डिस्टेंसिंग का मार्किंग कराया, मार्किंग करा के हम लोग डेली यहाँ पे 2000 आदमी का खाना बांटते हैं। और हमारे अधिकारी पुलिस विभाग का भी बेचारा, उनको 100 नंबर पे पता नहीं कौन फोन करता है। PI साहब यहाँ आके देखे भाई यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई उल्लंघन है ही नहीं, सब 2-2 मीटर पे गैप के साथ खड़े हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई फोन करता। उसके अभी लास्ट में एसएमसी के कोई साहब आए, वो बोले कि प्राइवेट आप खाना बंद कर दो। मैं बोला तुरंत बंद कर दूंगा साहब, हमको क्या दिक्कत है? तो मैंने खाना बंद कर दिया तो पब्लिक सब खड़ी हो गई तुरंत। तो अभी PI साहब ने आए, सब आए बोले आप चालू कर दो। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ जो गरीब लोगों को खाना दिया जा रहा है, एक तो कोई पूछता नहीं, यहाँ 4 बजे से लोग अपना टिफिन लगा करके कोई पत्थर रख के अपना मार्किंग करके जाते हैं, इनको खाना मिलता नहीं। अगर हम लोग प्राइवेट, हमारा न राजनीतिक स्वार्थ है न कोई NGO है, हम किसी तरीके के, हम दो भाई मिल करके अपने पैसे से हम लोग लोगों को खाना खिलाते हैं। और यहाँ आज यहाँ ये चारों तरफ जो 2 किलो 1 किलो गेहूं आटा जो देते हैं वो दुनिया भर का डिस्टर्ब करते, उसमें नहीं आता। हम तो हमारा जो है पैसा खर्चा करके लोगों के बीच में, इतना हमारे भाई बंधु हैं, हमारे सब लोग हैं, हम सोचते भाई इनके सेवा में अगर हम कहीं सहभागी बने तो ये हमारा सौभाग्य है।
और किसी भी कायदा कानून का उल्लंघन किए बगैर शासन प्रशासन हमको अगर टच करे तो हम एक सेकंड में, हमने परसों जो है हमको पीएसआई पंचाल साहब ने कहा कि भाई सत्यनारायण नगर के अंदर कोरोना का कोई केस पॉजिटिव है गुलाब सिंह उधर बंद कर देना, इधर से चालू कर दो। मेवला साहब अगर आप बोलेंगे तो खाना भी बंद कर देंगे हम, आप लोग की इजाजत होगी तो ही हम खाना खिलाएंगे, बाकी हमको कोई ऐसा है नहीं। आपके सहकार से हम खाना खिला सकते हैं, आपके सपोर्ट से, आपका सपोर्ट नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी कलेक्टर में जो रजिस्ट्रेशन होता है खाना बांटने के, तो आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है ना? सीपी साहब के यहाँ से फूड पैकेट का परमिशन लिया हुआ है। तो जो आज एसएमसी के अधिकारी आए क्यों बंद कराने आए? एसएमसी के अधिकारी आए ऐसा भाई, और जबकि एसएमसी वाले साहब यहाँ देख के गए कि भाई हजार आदमी लाइन में खड़े हैं फिर भी बोलते खाना बंद कर दो। अब उनको पता नहीं, उनको वो जानेंगे क्या? तो बोला साहब मैं बंद कर दूंगा, आप अगर बोलो तो हमको बंद करने में कोई दिक्कत नहीं। बोले हाँ आ जा रहे ऊपर से, आप बंद कर दो खाना। मैं ठीक है, अब बंद कर दिया, पब्लिक बवाल में आ गई। इधर प्रतिभा मणिलाल माड़ी रामेश्वर नगर प्लॉट नंबर 520 बमरोली रोड पांडेसरा। खाना आता नहीं है हमारे उधर, आता है खिचड़ी आती म्युनिसिपालिटी से आती, पता नहीं कहाँ से आती है, मिलती भी नहीं है और घर घर में खाने के लिए भी नहीं है। तो रोड पे मिल रहा है 20 दिन से पेट भर के खाना दे रहे लोग, तो भी म्युनिसिपालिटी वाले बोल रहे नहीं देने का नहीं देने का, तो हम लोग भूखा मर जाए ऐसा चलेगा? तो कैसा होगा ऐसा? आपकी क्या मांग है इसमें? हमारी मांग है इधर सबको खाना मिले, और वो अभी हमारे रोड पे मिला 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, आधा किलो शक्कर और एक नमक का पैकेट, इससे घर गुजारा चल जाएगा? चार चार आदमी है घर में, कैसा चलेगा? ये खाना जो यहाँ पे किसके द्वारा दिया जा रहा है? गुलाब सिंह गुलाब सिंह से दे रहा है।